हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम ऑफिस 365 E3 इसका ना एडमिन सेंटर का ओवरव्यू करेंगे। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, बेसिक चीज क्या क्या है, सारा इसका हम एक टूर कर लेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट अपना ऑफिस 365 E3 वाला ट्रायल अकाउंट बनाया हुआ है। अकाउंट बनाने के बाद मैंने admin.microsoft.com पे लॉगिन किया। लॉगिन करके वहां पर अपने क्रेडेंशियल्स डाल के अपना जो फ्रंट फर्स्ट पेज मैंने जो कंसोल ओपन किया है तो इसका लुक आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। ओके, जैसे यहाँ पर अभी ऑप्शंस आ जाते हैं, देखिए अभी मैं यहाँ पर राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप राइट साइड पे जाओगे तो आप यहाँ पर ESR के देख सकते हो। इस ऑप्शंस मतलब यहाँ पर आपको कंपनी का नेम आप बोल सकते हो, यहाँ पर आपका कंपनी का नेम आ जाएगा और दिस इज अवर लाइक डिस्प्ले नेम एंड दिस इज माई मेल आईडी। बेसिक थिंग्स आपको मतलब जो भी अकाउंट आपका चल रहा है यहाँ पर दिखा रहा है। जब भी आप लॉग आउट करना चाहते हो तो साइन आउट ऑप्शन भी है यहाँ पर। ओके, तो इसके साथ साथ आप होम पे अगर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर राइट साइड पे थोड़े से कैटेगरीज वगैरह ऑप्शंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अपना कंपनी का नेम दिखाएगा जो भी हम XYZ कंपनी पे अपना कंपनी है। जैसे कि मैंने अपने अकाउंट बनाते टाइम पे मेरा कंपनी का नेम ESRK रखा हुआ था। ओके, तो अभी जैसे कि फिनिश सेटिंग अप ऑफिस 365 E3, मतलब कि मैंने ऑफिस 365 E3 का भी ट्रायल लाइसेंस लिया हुआ है, मतलब इसका एक टेनेंट क्रिएट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या क्या मैनेज कर सकते हैं सारा दिखा रहा है यहाँ पर। जैसे कि यूजर मैनेजमेंट, जैसे यूजर क्रिएट करना, यूजर एडिट करना या पासवर्ड रिसेट करना, एक शॉर्टकट आप बोल सकते हो इसका यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑफिस 365 के एप्स वगैरह आप यहाँ पर इंस्टॉल मतलब यहाँ पर आपको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर कोई फ्रेश इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ किया नहीं है तो यहाँ पर अभी कुछ दिखा नहीं रहा है। तो हियर यू कैन सी बिलिंग, तो यहाँ पर बिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो होम ऑप्शन है, होम पे भी यहाँ पर इस साइड पे हम लोग सारा मतलब अपना एक्सप्लोर कर लेंगे। जैसे यूजर है, यूजर पे आपको एक्टिव यूजर्स, जैसे मैं भी लॉगिन हूँ, यहाँ पर मेरे दो यूजर चल रहे हैं। जो मेरा मेन ग्लोबल यूजर है आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑफिस 365 E3 वाला लाइसेंस उसको असाइन किया हुआ है, एंड मैंने और एक यूजर यहाँ पर क्रिएट कर लिया था उस पर अभी विदाउट लाइसेंस मैंने असाइन किया हुआ है। ओके, तो इसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट, गेस्ट यूजर्स, डिलीट यूजर्स, जैसे कोई भी यूजर आप डिलीट या फिर डिलीट हुए भी यूजर को आप जैसे यहाँ पर रिकवर वगैरह कर सकते हो, एंड टीम्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट है यहाँ पर। तो वैसे ही बिलिंग का ऑप्शन है, बिलिंग के ऑप्शन पे आप यहाँ पर परचेज सर्विसेज योर प्रोडक्ट, जैसे अभी मैं क्लिक कर लेता हूँ योर प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पर हमें हमारा प्रोडक्ट दिखाई देगा अभी, मतलब क्या हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है, विच इज़ ऑफिस 365 E3 ट्रायल वर्शन हमने लिया हुआ है, विच इज़ जहाँ से हमें टोटली 25 लाइसेंस फ्री वर्शन पे मिल जाएंगे, उस पर हमने एक लाइसेंस यहाँ पर असाइन किया हुआ है, विच इज़ एक्सपायर्स ऑन लाइक समहाउ डेट भी दिया हुआ है यहाँ पर कि कब एक्सपायर हो जाएगा, विच इज़ कमर्शियल डायरेक्ट पे है। जब आप लाइसेंस पे क्लिक कर लेते हो या फिर लाइसेंसेस, बिलिंग पेमेंट्स, बिलिंग अकाउंट, पेमेंट मेथड, बिलिंग नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर आपको ये इंटरफेस पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी मैनेज कर सकते हो कि आपका डिस्प्ले डार्क मोड या फिर आपको किस टाइप का चाहिए। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपना डिस्प्ले भी मैनेज कर सकते हो जैसे हमने किया। तो अभी हम लाइट मोड पे कर लेते हैं वापस इसको, एंड यहाँ पर व्हाट्स न्यू, अगर कुछ न्यू है तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। ओके, विच इज यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आप अपना थीम्स वगैरह सेटिंग्स पे चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज, टाइम जोन, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लाइक प्रेफरेंस वगैरह आप यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो अभी हम जैसे अभी देखेंगे कि जैसे एडमिन और भी सेंटर्स है जहां पर आपको दिखा रहा है एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, टीम्स वगैरह यहां पर दिखा रहा है। जैसे अभी एडमिन सेंटर पे मतलब एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे अगर जाएंगे हम लोग, यहां पर भी सेम वैसे ही जैसे रोल दिखा रहा है, तो मेल बॉक्सेस पे देखते हैं। तो जैसे हमने अभी लाइसेंस दिया हुआ था जो हमारे एडमिन सेंटर पे, तो यहां पर अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ अकाउंट का, वहां पर लाइक यूजर मेल बॉक्स ऑप्शन दिखा रहा है, ग्रुप्स, रिसोर्सेस, कॉन्टैक्ट्स, मेल फ्लो, मैसेज ट्रेस, रूल्स, रिमोट डोमेन्स वगैरह यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस का जैसे Azure Active Directory हो या कुछ भी हो इसके अंदर, तो हम लोग इसके अंदर एक 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 यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल्स करके यहाँ पर हर चीज एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने आगे के वीडियोस पे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए,
कि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं हर चीज़ के, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके,